गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर सेवन मेरा बचपन लेकर आई हूँ। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के बारे में जो बताया है मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे मैं आपको इसकी रीडिंग करा चुकी हूँ, फिर भी देखिए। मैंने जन्म लिया था पुराने कलकत्ता में, शहर में उन दिनों छकड़े छड़ छड़ करते हुए धूल उड़ाते दौड़ा करते थे। ना ट्रम थी, ना बस, ना मोटर गाड़ी। उन दिनों कामकाज की ऐसी दुम फुला देने वाली ठेलम ठेल नहीं थी। इत्मीनान से दिन कटा करते थे। हमारे पढ़ने के घर में दो बातियों का एक दिया जलता था। मास्टर साहब टिमटिमाते प्रकाश में प्यारी सरकार की फर्स्ट बुक पढ़ाया करते थे। मास्टर साहब का कोई एक दूसरा विद्यार्थी सतीन है, लड़का क्या सोने का टुकड़ा, पढ़ाई में ऐसा दिल लगाता कि लोग अचरज करते। आज 9 बजे जब आंखें नींद से डुलमुला जाती तो छुट्टी मिलती। उन दिनों रास्ते के किनारे किनारे नाले बंधे हुए थे। जवार के समय उन्हीं से होकर गंगा का पानी आया करता और बाबा के ज़माने से ही उस नाले के पानी का हकदार हमारा तालाब रहता आया था। मछलियों को उल्टी तरफ तैरने की कसरत दिखाने की जूझ दी। मैं दक्षिण के बरामदे की रेलिंग पकड़कर आवाक होकर देखा करता। आखिरकार उस तालाब का काल भी आ पहुंचा। उसमें गाड़ियों में भर भर कर गंदगी डाली जाने लगी और तालाब के पलटते ही देहाती हरियाली की छाया वाला वह आयना भी मानो हट गया। चाल चलन में कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी, इसे वह एक खास लहजे में जोर देकर कहा करता। इधर उसकी गर्दन भी कुछ ठेढ़ी थी, इससे उसकी बात की इज्जत भी बढ़ जाती। किंतु इन सारी बातों के होते हुए भी उसकी गुरुगिरी में एक दोस्त था। भीतर ही भीतर उसके मन में भोजन का लोभ दबा हुआ था। हमारी प्यालियों में पहले से अच्छी तरह सबके हिस्से का खाना परोस कर रख देने की उसकी आदत थी। यहाँ पर आ रही है ब्रजेश की, जो नौकर था उसका नाम था ब्रजेश, जो कि बहुत मतलब कि खाना जो था वो बहुत कम देता था और प्लेटें में जितना खाना परोसता था उतना परोस देता था। उसके बाद तो बस वो क्या है खाने की पूरी को हिलाता रहता था। जब हम खाना खाने बैठते थे एक एक पूरी अलग से हाथ में झुलाता हुआ पूछता और दूँ कौन सा जवाब मन मुनाफिक है, यह है उसके गले की आवाज़ से भली भांति समझ में आ जाती थी। अक्सर मैं यही जवाब देता, कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह थोड़ा खाना मुझे बचपन से ही बड़े मर्ज में बर्दाश्त हो गया। बस यह बात और कैसे कहूँ कि इस कम खुराकी से मैं कमज़ोर हो गया। शरीर इतना तंदुरुस्त था कि पानी में भिगोया हुआ जूता पहनकर दिन भर घूमता भी रहा तो सर्दी नहीं हुई। कार्तिक के महीने में भी खुली छत पर सोया, कुर्ता बाल भीग गए, लेकिन गले में जरा सी भी खुसखुसाहट वाली खांसी का आभास भी नहीं हो पाया। पेट में दर्द नामक भीतरी बदहजमी की जो सूचना मिलना करती थी उसे मैंने भी पेट में अनुभव ही नहीं किया। सिर्फ ज़रूरत के समय माँ को मुँह से कहकर बता दिया करता था कि सुनकर माँ भी मन ही मन हंसती थी और मास्टर जी से कह देती थी कि आज पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी उस ज़माने की माँ सोचती थी कि लड़का अगर बीच बीच में पढ़ाई में थोड़ी कटौती कर ले तो इससे क्या नुकसान हुआ जाता है। देवयोग में यदि मुझे कभी जवार भी आ जाता तो कोई उसे जवार या बुखार कहता ही नहीं कहता, शरीर गर्म हुआ है। नील माधव डॉक्टर आते थे, थर्मामीटर तो उन दिनों आँखों से न देखा भी न था। डॉक्टर जरा शरीर पर हाथ रखकर ही पहले दिन तो कैस्ट्रोल ऑयल और उपवास की व्यवस्था करते। पानी बहुत थोड़ा पीने को मिलता, जो मिलता वो भी गर्म। उसके साथ इलायची के दाने चल जा सकते थे। तीन दिन के बाद ही मोरा मछली का शोरबा, खूब गला हुआ भात उपवास के बाद अमृत जैसा लगता था। बुखार में पड़ा रहना किसे कहते हैं याद नहीं आता। मलेरिया सब सुना ही नहीं था। फोड़े चीरने वाली छुरी के खरोच शरीर पर किसी दिन भी अनुभव नहीं कि माता निकलना किसे कहते, आज तक नहीं जान सका। शरीर में उबा देने वाली जैसी तंदुरुस्ती बराबर बनी रही। माताएं यदि अपने बच्चों के शरीर को इतना निरोग बनाना चाहती हैं तो उन्हें ब्रजेश्वर के समान नौकर खोजना चाहिए। डॉक्टर का खर्च भी बच जाएगा, विशेषकर उन दिनों जब मशीन के आटे का घास लेटी घी का प्रचार बड़ा हुआ था। तो एक बात याद रखने की, तो उन दिनों बाजार में चॉकलेट नहीं दिखाई देता था, मिलती थी 1 पैसे दाम वाली गुलाबी रेवड़ियाँ। गुलाबी खुशबू से बसे हुए ये तिल से ढके हुए चीनी के ढेले आज भी लड़कों की चीप चटचटा देते हैं कि पता नहीं है। रेवड़ियाँ निश्चय ही आजकल के लोगों के घरों में से मारे शर्म के भाग खड़ी हुई है। धन्यवाद।